YouTube पर आप जिस वजह से भी लाइव आना चाहते हो, चाहे आप अपने YouTube चैनल के व्यूज बढ़ाना चाहते हो, चाहे आप अपने YouTube चैनल के 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट करना चाहते हो, चाहे आप अपने फैन के लिए YouTube पर लाइव आना चाहते हो, मैं आपको पहले ही बता दूं, YouTube पूरी तरीके से अपडेट हो चुका है। पहले आप YouTube ऐप पे ओपन करते थे और इस प्लस वाले आइकॉन पर क्लिक करते थे तो आपको इजीली गो लाइव का ऑप्शन यहाँ दिखाई देता था। तो आप अपने मोबाइल से YouTube पर लाइव कैसे आएंगे, आज मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूँ। इसके अलावा लाइव आते समय आपको कौन कौन सी सेटिंग्स ऑन करनी है और कौन कौन सी सेटिंग ऑफ करनी है, इसके बारे में भी मैं आपको फुल नॉलेज देने वाला हूँ। तो आज की इस वीडियो में हम अच्छी तरीके से सीखने वाले हैं अपने मोबाइल से YouTube पर लाइव स्ट्रीम कैसे करें, हाउ टू डू लाइव स्ट्रीमिंग ऑन YouTube इन मोबाइल। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अपने मोबाइल से YouTube पर लाइव स्ट्रीम कैसे करें, अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आप अपना YouTube ऐप पे ओपन कर लेना, प्रोफाइल पिक्चर पर क्लिक करना और यहाँ पर आप स्विच अकाउंट पर क्लिक करना। तो जैसे ही आप स्विच अकाउंट पर क्लिक करेंगे, आपने YouTube ऐप पे में जितनी भी ID लॉगिन की है वो आपको यहाँ पर दिखाई देने लगेगी। तो मैं इस वाली ID से अपने YouTube चैनल पर लाइव आना चाहता हूँ, इसलिए मैं इस ID पर क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पर प्लस का आइकॉन दिखाई देता है तो मैं इस प्लस वाले आइकॉन पर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर हमें 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, पहला वीडियो, दूसरा शॉर्ट, तीसरा लाइव और चौथा पोस्ट। तो हम YouTube पर लाइव आना चाहते हैं तो मैं इस लाइव वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पर हमें 3 इम्पॉर्टेंट सेटिंग करना है। इन 3 इम्पॉर्टेंट सेटिंग को हमें यहीं से ऑन करना पड़ेगा, क्योंकि लाइव आने पर हम बाद में इसे ऑन नहीं कर सकते हैं। पहली सेटिंग कैमरे की है कि जब हम लाइव आ जाएंगे तो हम कौन से कैमरे का यूज करेंगे, फ्रंट कैमरे का या बैक कैमरे का। दूसरी सेटिंग है माइक्रोफोन की, जब हम लाइव आ जाएंगे तो हमारा ऑडियो ऑन रहेगा या ऑफ रहेगा। और तीसरी सेटिंग है मोड की, मतलब जब हम लाइव आ जाएंगे तो हम वर्टिकल मोड में अपना कैमरा यूज करेंगे या हॉरिजॉन्टल मोड में। फटाफट इन सेटिंग को ऑन कर देते हैं। ये कैमरे की सेटिंग है तो मैं अपना फ्रंट कैमरा यूज करूंगा लाइव स्ट्रीमिंग में, तो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो ये फ्रंट कैमरे में कन्वर्ट हो गया। ऑडियो मुझे ऑफ नहीं रखना है, ऑन रखना है, इसलिए मैं इसे ऑन कर देता हूँ। मोड मुझे वर्टिकल मोड नहीं रखना है, मुझे हॉरिजॉन्टल मोड रखना है, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। ये सेटिंग जैसे ही मैंने कंप्लीट कर ली, अब यहाँ पर मुझे एक पेंसिल वाला आइकॉन दिखाई दे रहा है तो मैं इस पेंसिल वाले आइकॉन पर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर लिखा है टाइटल रिक्वायर्ड, मतलब हमें टाइटल हर हाल में लिखना ही है, नहीं तो हम यूट्यूब पर लाइव नहीं आ पाएंगे। लेकिन आप इस टाइटल को ध्यान से देखेंगे तो इस टाइटल में मैंने कीवर्ड यूज किए हैं और इस टाइटल को मैंने छोटा रखा है। पहले मैंने एक इमोजी लगा दिया है और लिख दिया है सब जुड़ जाओ, इससे ऑडियंस को मेरी लाइव में जुड़ने का मन करेगा। उसके बाद मैंने 2 कीवर्ड का यूज किया है, पहला कीवर्ड लाइव चैनल चेकिंग और दूसरा कीवर्ड यूट्यूब लाइव चैनल प्रमोशन। तो आपको भी ऐसे कीवर्ड का यूज करना है जो एक्चुअल आप अपने वीडियो में बता रहे हैं। अब यहाँ पर हमें एक ऑप्शन दिखता है विजिबिलिटी का, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मुझे यहाँ पर 3 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, पहला पब्लिक, दूसरा मेंबर्स ओनली और तीसरा अनलिस्टेड। तो यहाँ पर मैं पब्लिक चूज करूँगा। इसका रीजन ये है कि मैं सारी पब्लिक के लिए लाइव आना चाहता हूँ। अब यहाँ पर हमें एक ऑप्शन दिख रहा है ऑडियंस का, अपनी लाइव में आपको अपनी ऑडियंस को चूज करना है कि आप किन ऑडियंस के लिए लाइव आ रहे हैं। ऑडियंस पर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मुझे 2 ऑप्शन आ रहे हैं, यस इट्स मेड फॉर किड्स, मतलब ये हमसे ये जानना चाह रहा है कि मैं लाइव किसके लिए आ रहा हूँ, बच्चों के लिए लाइव आ रहा हूँ या फिर बड़ों के लिए लाइव आ रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं
बच्चों के लिए लाइव नहीं आ रहा हूँ, तो मैं इस नो पर क्लिक करता हूँ। अब जैसे ही हमने नो पर क्लिक किया, यहाँ पर भी हमसे यस और नो पूछ रहा है, तो सिंपली आपको इस नो वाले आइकॉन पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर हमें एक ऑप्शन मिलता है इनवाइट गेस्ट, और यहाँ लिखा है गो लाइव टुगेदर, मतलब यदि दो यूट्यूबर एक साथ लाइव आना चाहते हैं तो हमें इस ऑप्शन को ऑन कर देना है। ऐड डिस्क्रिप्शन, तो ऐड डिस्क्रिप्शन पर मैं क्लिक करता हूँ, तो आप जो टाइटल में लिखेंगे सबसे पहले वो कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दीजिएगा। अब मैं अपने डिस्क्रिप्शन को धीरे धीरे नीचे की ओर स्क्रॉल कर रहा हूँ। मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप अपना वीडियो पॉज करके मेरा डिस्क्रिप्शन पढ़ सकते हैं, और कुछ इस तरीके का डिस्क्रिप्शन आप भी बना सकते हैं। अब यहाँ पर आपको एक और ऑप्शन मिलता है लोकेशन का, तो लोकेशन पर क्लिक करके आप कोई लोकेशन ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है स्क्रीन कास्ट, तो जैसे ही आप इसे ऑन करेंगे, जैसे ही मैंने इसे ऑन किया, यहाँ पर हमसे पूछ रहा है ऐड गेम टाइटल, तो यदि आप कोई गेम टाइटल ऐड करना चाहते हैं तो आप यहां से ऐड कर सकते हैं। अब यहां पर हमें एक और ऑप्शन मिलता है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है। देखिए, मैं तो अभी तुरंत लाइव आ रहा हूं, इसलिए इसे मैंने ऑफ रखा है। यहां पर लिखा है शेड्यूल फॉर लेटर, यदि आप लाइव एक घंटे बाद आना चाहते हैं या अगले दिन आना चाहते हैं तो आपको इसे ऑन कर देना है। जैसे ही आप इसे ऑन करेंगे, यहाँ पर आप डेट, ईयर और टाइम सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे मैं कल लाइव आना चाहता हूँ, तो ऑलरेडी डेट सिलेक्ट हो चुकी है। अब मैं ओके करता हूँ, तो ये मुझसे टाइम सिलेक्ट करने बोल रहा है कि आप 31 अगस्त को कब लाइव आना चाहते हैं, तो आप टाइम सिलेक्ट करके ओके कर दीजिएगा। अब यहाँ पर आपको कुछ एडवांस सेटिंग्स मिलती है, इसको ऑन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एडवांस सेटिंग्स पर मैं क्लिक करता हूँ, तो पहली सेटिंग है अलाउ चैट, मतलब आप चैट को अलाउ करना चाहते हैं, तो मैंने इसे ऑन रखा है। अलाउ रिएक्शन, इसे भी आपको ऑन रखना है। अब यहाँ पर लिखा है दिस वीडियो कंटेन पेड प्रमोशन, यदि आपने किसी थर्ड पार्टी से पैसे लिए हैं तब आप ऑनलाइन आ रहे हैं तो आपको यूट्यूब को बताना पड़ेगा, इसके लिए आपको इसे ऑन करना पड़ेगा। और यदि आपने किसी से पैसे नहीं लिए हैं तो सिंपली आपको इसे ऑफ कर देना है। अब यहाँ पर एनेबल मोनेटाइजेशन, तो आपको इसे ऑन कर देना है। मेरे चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट हो चुका है, इसलिए मैंने इसे ऑन कर दिया है, जिससे मैं यूट्यूब से पैसा कमा सकूं। अब सिंपली आपको इस नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो अब मैं आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बता दूँ, हमने सब कुछ कर लिया, अब एक इम्पॉर्टेंट काम रह गया है। अभी तक हमने थंबनेल नहीं लगाया है, तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा, और यहाँ पर टाइटल के बगल में, टाइटल के लेफ्ट साइड में आपको एक पेंसिल वाला आइकॉन दिखाई देगा, तो इस पेंसिल वाले आइकॉन पे आप क्लिक कीजिए। तो यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन मिलेंगे, एडिट सेटिंग, मतलब अभी हमने जो टाइटल डिस्क्रिप्शन लिखा है आप उसे एडिट कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन आपको दिखेगा टेक थंबनेल, मतलब आपका कैमरा ऑन हो जाएगा और आपकी फ़ोटो ली जाएगी और थंबनेल सेट हो जाएगा। यदि आपने थंबनेल बनाकर रखा है तो आपको इस अपलोड थंबनेल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और अपने थंबनेल को चूज कर लेना है और इसे बराबर से सेट कर लेना है और इस सेव वाले बटन पर क्लिक कर देना है। अब मैंने सारे काम कर लिए हैं, अब जैसे ही मैं इस गो लाइव पर क्लिक करूँगा मैं यूट्यूब पर लाइव आ जाऊंगा। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताया अपने मोबाइल से यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीम कैसे करें, हाउ टू डू लाइव स्ट्रीमिंग ऑन यूट्यूब इन मोबाइल। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक कर जरूर जाए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर जरूर प्रेस कीजिए।